अब आ रहे हैं राजीव कुमार फ्रॉम दिल्ली। मुझे ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से फोन आया। हेलो, अरे आपका सिलेक्शन हुआ ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में। और सिद्धू साहब, मैं अपना बड़ा बन ठन के अगले दिन की मेरी फ्लाइट थी, मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा। जैसे ही मैं एंट्री कर रहा था, मेरे को सिक्योरिटी वाले ने आवाज, ए भाई साहब इधर आइए। मैंने कहा हाँ जी। बोले अटैची आपकी है? मैंने कहा हाँ जी। बोले चलिए इसका एक्सरे करवाइए। और मैंने, क्यों ये माँ बनने वाली है? पत्नी से अच्छी माशूक नहीं है। राजीव मल्होत्रा एक ऐसा शख्स जो लोगों के चेहरों पर हंसी बांटता है। बोले भाई पता नहीं चल रहा, अभी तो वहम सा हुआ है। एक जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन राजीव टीवी के लगभग तमाम बड़े कॉमेडी शोज में अपने चुटकुलों से लोगों का मनोरंजन कर चुके हैं। टीवी के साथ साथ स्टेज शोज और कवि सम्मेलनों में भी कमाल करते हैं राजीव। कहाँ का हाथ लगाएगा? एक उम्दा स्टैंड अप कॉमेडियन होने के साथ साथ एक संवेदनशील कवि भी है राजीव मल्होत्रा। और सिद्धू साहब कहते हैं कि भाई से अच्छा दोस्त नहीं अगर तकरार ना हो, वाह। जुमे से अच्छा खेल नहीं अगर हार ना हो, वाह। क्या बाल है यार। और पत्नी से अच्छी माशूक नहीं अगर ससुराल ना हो, वाह। और चोरी से बढ़िया धंधा नहीं अगर सरकार ना हो। कुदरत के भी बड़े अजूबो गरीब करिश्मे हैं। उधर एक मेरा दोस्त जिसका नाम है लमचोचा। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं। और यूं तो बच्चे देश के भावी कर्णधार हैं, वो अलग बात है कि पति पत्नी के प्रेम के बीच की दीवार है। प्लीज वेलकम राजीव मल्होत्रा। कहते हैं कि मोबाइल पर नित नए चमत्कार हो रहे हैं और हमारे बच्चे कवरेज एरिया से बाहर हो रहे हैं। और मोबाइल पर अपने संस्कारों का सिग्नल सर्च कर रहे हैं, अपनी लाइफ का प्रीपेड खर्च कर रहे हैं। एक बंदा सत्संग सुन के आया, आते ही पत्नी को गोद में उठा लिया। पत्नी बोली, आज कोई रोमांटिक सत्संग सुन के आयो? बोले नहीं, कोई रोमांटिक सत्संग नहीं सुना, बाबा कह रहे थे अपने दुखों का बोझ खुद ही उठाओ। बहुत शानदार परफॉर्मेंस। द फर्स्ट रनर अप गोज टू राजीव मल्होत्रा। कांग्रेचुलेशंस राजीव। हमारे पास पटाखे ही, पर हमने उन पटाखों से कहा था कि तुम्हें हिंदुस्तान की कसम है, हमारी लाज रख ले। तो हिंदुस्तान के नाम में काम में बड़ी शक्ति है। और मैं अपने कंटेस्टेंट को कहना चाहूंगा, उनमें कोई डूबेगा नहीं, इस मंच के माध्यम से सभी उभर कर आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। राजीव जी, आप इतना हंसी के समुंदर कहां से लेके आए? नहीं, एक मिनट गरिमा जी, बीच में हम रोकेंगे। तो कभी हम में रोते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक समझौते ही समझौते हैं, और काटते हैं वही फल जो बीज हम बोते हैं। और कुमार शानू जैसे फनकार कई सदियों में पैदा होते हैं। राजीव के बारे में इतना कुछ देख चुकने के बाद, सुन चुकने के बाद, उनसे दूरी आपको बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, तो बिना एक भी पल गंवाए आइए, बुलाते हैं राजीव को युवाओं के लिए देश के इस सबसे शानदार मंच पर। राजीव, क्या सोच के मर्द शादी करता? वो ये सोच के करता, इतनी खुशी भी अच्छी नहीं है, अब कर लो शादी। क्या आप शराब पीते हैं? ये प्रश्न है या निमंत्रण? निमंत्रण। फिर तो पीता हूँ। राजीव जी, आप इतना हंसी के समुंदर कहां से लेके आए? नहीं, एक मिनट गरिमा जी, बीच में हम रोकेंगे। क्या कहेंगे आप, कैसा लगा परफॉर्मेंस इनका? गुड गुड, थैंक यू सर। राजीव जी, आप क्या करते? मैं सब बस यही जो कर रहा हूँ। इसके अलावा मतलब ये शौक है आपका या? शौक भी है और मतलब बस हंसाना जो है, मतलब वो अच्छा लगता है, बस यही करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, वो नजर आ रहा है जिस तरह से आपने अपना वर्जन जो है, जो आपने, जो आपको पेश करना था, जिस तरीके से आपने पेश किया,
गुड, इट्स अ गुड वेट. आई थिंक आप लास्ट कंटेस्टेंट हो आज के फर्स्ट सेमीफाइनल के. आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी यू इन द नेक्स्ट राउंड. थैंक यू सर, थैंक यू. इतना ही कहूंगा सर. थैंक यू. कहते हैं ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. अमनप्रीत क्या कहेंगे आप? एब्सोल्युटली, कॉन्फिडेंस लेवल वाज ग्रेट. आपने फ्लो नहीं तोड़ा, फ्लो बहुत अच्छा था. हम हंसी रहे थे और आप नेक्स्ट जोक पे पहुंच जाते थे, जो कि बहुत अच्छी बात है. आप कंफ्यूज भी नहीं हो रहे थे, कहीं रुक नहीं रहे थे. बहुत सारे कंटेस्टेंट्स जो आपके पहले आए कंफ्यूज हो जाते थे कि शायद हंसी नहीं आई तो अब हम क्या सुनाएं. एक थॉट नहीं था, बट आपका थॉट चल रहा था. कॉन्फिडेंस लेवल थ्रू आउट था, बहुत मजा आया. और मैसेज भी था, फालतू की कॉमेडी नहीं थी कि बस हंसाना है तो कोई भी जोक मार दूं या वल्गर जोक मार दूं. सारे जोक्स बहुत ही अच्छे थे, सब हंसे और सबने बहुत एंजॉय किया और कंफर्टेबल महसूस किया. एक मैसेज के साथ था. थैंक यू सो मच. अरुण जी नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया किया. तो हंसाना आपका उद्देश्य है, ये अच्छी बात है. वो किसी शायर का शेर भी है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है. तो हंसाना तो इबादत का काम है और बच्चों के माध्यम से तो आपने बढ़िया किया ही. और आजकल के बच्चे तो कमाल हैं. 1985 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं.